इस आयु तक मैं आपकी बनाई सीमाओं के बंधनों में बंधा रहा हूं, कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पिताजी, मैं अब केवल आपका पुत्र नहीं, आप मुझे शाक्यों का राजा बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछता हूं। क्या परानुभव से स्वानुभव का मूल्य अधिक नहीं होता? आचार्य कौंडिन्य कहते थे, सही राजा वही होता है जो राज सिंहासन पर नहीं प्रजा के हृदय में विराजमान। सिद्धार्थ, लगता जो राज हम सबको अवाक करने पर तुले हुए हैं। भाई महाराज, अब युवराज को अनुमति दे ही दीजिए। क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सब मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? क्यों? तो ढूंढो कैसे, विद्रोह करो। किससे? सबसे। कोई तुम्हें कुछ नहीं समझता। महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करो। नहीं कर सकता, वो मेरे पिता हैं। पिता ऐसे होते जो अपनी ही संतान को सीमाओं में बांधे, ऐसे होते जो क्षत्रिय बनाना चाहते हैं पर साहस से दूर रखे। तुम केवल स्वयं के बारे में सोचो सिद्धार्थ। राज्य की सीमाओं में रहकर तुम सम्राट कैसे बनोगे? नहीं बनना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए कोई राजपाट। मत भूलो, मनुष्य कीर्ति से अमर बनता है और कीर्ति कर्तव्य पालन से बढ़ती है। पंख फूटते ही पंछी आकाश में अपना घोंसला छोड़कर उड़ते हैं, वन में पशु स्वतंत्र विचरते हैं, तो तुम मनुष्य होकर क्यों बंधे हो? तोड़ दो सारे बंधन। मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा था क्रोध सब कुछ कर सकता है। नहीं, तुम चले जाओ यहां से। मेरी तरफ दृष्टि करो, देखो मेरी तरफ। नहीं, मैंने कहा चले जाओ यहां से। मैंने कहा मेरी तरफ दृष्टि करो। नहीं, मैंने कहा दृष्टि करो मेरी तरफ। नहीं, मुझसे दृष्टि मिलाओ सिद्धार्थ, मुझसे दृष्टि मिलाओ। पिताजी, एक बात कहूं? कब तक आप उन्हें वास्तविकता से और लोगों से दूर रखेंगे? अनुमति दे दीजिए। चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने। असित मुनि की भविष्यवाणी तुम नहीं जानती, अन्यथा ऐसा कभी न कहती। मैं जानती हूं, मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो अब तुम ही मार्ग सोचा, क्या करें? कुलगुरु वाचस्पति का कहना है कि ग्रहों के अनुसार सिद्धार्थ कोमल हृदय का है, दूसरों की पीड़ा को वो तुरंत अपनी पीड़ा बना देता है और पीड़ा वैराग्य को जन्म देती है। वैराग्य को कदाचित सत्य है, पर आज तक वो अकेले थे, अब मैं उनके साथ हूं। आप मुझ पर विश्वास करें, अपने पति को हर दुख से, पीड़ा से, हर चिंता से मुक्त रखना ही पत्नी का धर्म होता है। देव, गोपा बहू की बात सोचने योग्य। आज तक वो अकेला था, किंतु अब गोपा उसके साथ है।
और ये सिद्धार्थ की भावनाओं को भली भांति समझती। आप गोपा पर विश्वास रखें, वो सब संभाल लेगी। हमें इतना तो करना ही होगा, यदि हमें कपिलवस्तु को उसका पराक्रमी राजा देना है। ठीक है बहू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मैं तुम्हें और युवराज को भ्रमण की स्वीकृति देता हूं। युवराज, आर्य, चन्ना, हाँ, रथ रोको। आर्य, 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 क्या हुआ गोपा? और तुम्हें क्या हुआ? अचानक सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें हम? मैं अपने आप को रोक न सका, लड़ रहा था अपने आप से। क्या मांगा था मैंने? केवल इतना कि मैं शाक्यों की सीमाओं में घूमना चाहता हूँ। और उन्होंने हाँ कह दी। पिताजी ने हाँ कह दी? हाँ हाँ युवराज। और उन्होंने कहा? क्या कहा पिताजी ने? उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शाक्य देश में जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, पर उसे अपनी भार्या को साथ ले जाना होगा, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। उपहास कर रही हूँ मुझसे? नहीं, सच कह रही हूँ। यानी इतने सालों के प्रतिबंध से अब मुक्ति मिलेगी? हाँ युवराज। हाँ चना। ना कोई बंधन, ना कोई उल्लंघन, ना कोई सीमा, ना अवरोध। यानी क्षितिज के उस पार, दृष्टि पहुंचे वहां तक। एक लंबा मार्ग जिसका कोई मोड़ नहीं। अपनी इच्छा के रथ पर सवार निरंकुश। क्या हुआ युवराज? हवाएं बदल गई गोपा, हवाएं बदल गई। चलो। चन्ना चन्ना, मुझे शक्य राज्य के कोने कोने में जाना है, मिट्टी के हर कण को छूना है, प्रत्येक भावना की अनुभूति से समृद्ध होना। रथ तेज चलाओ चन्ना, कहो अश्व से कि वो हवा से बातें करें। मैं सबसे मिलूंगा, केवल एक नगर नहीं, सारे नगर देखूंगा। आ, उनका संगीत, उनकी बोली, वो सब कुछ। मैं तो ये संदेश देने आई थी कि हल्दी लगाने के बाद आपको महल के बाहर जाना मना है। चन्ना रत्नों को। क्या हुआ गोपा, कहाँ जा रही हो? सुनो, आपके चुनर पे तो मेहंदी लग गई, आपको ये बदलनी होगी, चलिए मेरे साथ। ये तो वही चुनर है जो मैंने अपनी मेहंदी में पहनी थी। तुम्हें ये चुनर कहाँ से मिली? ये तो मेरी है। क्यों असत्य कह रही हो? नहीं नहीं, वो दूर एक झोपड़े का घर है, जला हुआ। ये चुनर मुझे वही झाड़ियों से मिली, फटी हुई थी तो सी थी, और उससे अधिक मैं कुछ भी नहीं जानती। जला हुआ घर?
यह तो केवल राख का ढेर है युवराज, यहाँ क्या मिलेगा? कुछ तो होगा, नहीं तो इतनी दूर चूनर कैसे मिलती? अर्थात कंचनी यहाँ आई है? ये तो केवल कल्पना है युवराज। आचार्य कौंडिन्य कहते थे कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वाला ही भेद तक पहुंचता है। पर यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर देने वाला कोई नहीं है आर्य, इस राख के सिवा, और राख बोलती नहीं। चले, महल में सब चिंतित होंगे। युवराज, कभी कभी राख भी बोलती है कुपा, और इस समय ये कह रही है कि ये माला ज्येष्ठ की है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कहाँ है? काम का कहाँ है ज्येष्ठ? ज्येष्ठ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? क्या है ये? मैंने पूछा क्या है ये? क्या हुआ युवराज? क्या ये तुम्हारी माला का टुकड़ा नहीं? हाँ है। तो अर्थात तुम जानते हो कंचनी कहाँ है? ये तुम क्या कह रहे हो युवराज? और ये टुकड़ा, ये टुकड़ा मिला कहां से? उसी चले हुए आवास से जहां गोपा की चुनर मिली, जिसे धुलवा ने उस रात कंचनी लेकर गई थी। तुम जानते हो ज्येष्ठ, कंचनी के बारे में तुम जानते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये माला का टुकड़ा वहां कैसे पहुंचा? कहा ना, मैं नहीं जानता। मेरे विवाह की रात तुम राजमहल में नहीं थे ज्येष्ठ, प्रातःकाल लौटे थे। काकी माँ भी चिंतित थी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वहां पहुंचा कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कंचनी के साथ फिर से जबरदस्ती की, और उसके मना करने पर तुमने उसके प्राण ले लिए? प्राण? प्राण लेने होते तो यही मार के गाड़ देता। इसके लिए मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। और किस माला के टुकड़े की बात कर रहे हो सिद्धार्थ? ये देखो, बोलो कितनी चाहिए तुम्हें, बोलो। जिस तरह तुम अपने दास दासियों में गहने बांटते फिरते हो ना सिद्धार्थ, उसी तरह मैंने भी कभी खुश होकर कंचनी को कोई माला दी होगी। हाँ, वहां से यशोधरा की चुनर भी तो मिली है ना? फिर तो हत्या का आरोप यशोधरा पर भी लगना चाहिए। युवराज, युवराज छोड़ो, चारो। महाराज, देवदत्त सत्य कह रहा है सिद्धार्थ। उस गणिका को देवदत्त ने नहीं मारा है। गुप्तचरों से पता चला है कि कंचनी के शव के साथ हमें कार्णिक का भी शव मिला है वहां। कौन कार्णिक? कंचनी का प्रेमी, जो रंग महल उसे कई बार मिलने के लिए आता था। उस रात ही भागने वाले थे, परंतु कार्णिक के कई शत्रु हैं और किसी ने उनकी हत्या कर दी। देख लीजिए महाराज, देख लीजिए।
मेरा देवदत्त कितना भी बुरा हो परंतु किसी की हत्या नहीं कर सकता। और तुमने आज अपने ज्येष्ठ को हत्यारा भी बना दिया। क्षमा करना मंगला। सिद्धार्थ, अपने ज्येष्ठा से क्षमा मांगो। क्षमा मांगो। क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम अपराधी हो। अब तुम तो क्या सिद्धार्थ, स्वयं ईश्वर भी प्रमाणित नहीं कर सकता कि मैंने कंचनी के प्राण लिए हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है सिद्धार्थ, पर एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूं। ज्येष्ठ, समझे? तुम्हारे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसा ही होता है कोपा, जब मन में ग्लानि होती है, पीड़ा होती है, मन संघर्ष करता है, तब मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं आर्य, कि जीवन को इतनी गंभीरता से ना लो कि वो बोझ लगे। बोझ कहो या प्रश्न, मेरे लिए तो एक ही है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हर जगह संघर्ष, संघ राज्य में विचारों का संघर्ष। ज्येष्ठ के साथ आदर्श का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष, युद्ध के डर का संघर्ष, मृत्यु के भय का संघर्ष। और इन्हीं संघर्षों के कारण कभी कभी मैं स्वयं को खो देता हूं, या तो मैं ध्यान में चला जाता हूं या फिर किसी का ध्यान नहीं रहता, जैसे आज मैंने मंगला काकी का मन दुखाया। इन सारे संघर्षों का अंतिम उत्तर केवल एक ही है, आसपास की परिस्थिति को बदलो और प्रारंभ स्वयं से करो। शाक्य राज का भ्रमण करना तुम्हारी इच्छा है और महाराज की अनुमति भी है, तो हम यहां क्यों हैं? नई जगह में क्यों नहीं? नई जगह, नए लोग, नए विचार। हाँ गोपा, कदाचित कोई ऐसी जगह जहां पीड़ा ही ना हो। आज्ञा पिताजी, आपकी अनुमति ही मेरा आशीर्वाद है। आज्ञा, आपकी कही हर बात का ध्यान रहेगा मुझे, उन्हें प्रसन्न रखने के प्रयत्न में कोई कमी ना होगी। पर आप भी मुझे एक वचन दीजिए कि आप हमारी चिंता नहीं करेंगी। नहीं करूंगी। आप भी महादेवी का ध्यान रखिएगा।
तुम भी अपना ध्यान रखना और सिद्धार्थ का भी। जी। और मुहूर्त बीतने से पहले प्रस्थान करो। अनुज। जी भाई महाराज। सिद्धार्थ के यात्रा के आयोजन में कोई कमी तो नहीं? नहीं भाई महाराज, कुछ सैनिक पहले ही भेजे गए हैं, कुछ सेवा के लिए साथ जाएंगे और कुछ रक्षक गुप्त वेश में साथ होते हुए भी साथ नहीं होंगे। युवराज की यात्रा निर्विघ्न पूरी होगी। युवराज, हम जहां ठहरने वाले हैं वहां फूलों की एक घाटी है, वहां राजकुमारी के पसंद के कई फूल खिलते हैं। देखो मार्ग में दो मोड़ जा रहे हैं। रथ रोको चलना। आप लोग पीछे क्यों जा रहे हैं? यदि हम आपसे कुछ पूछेंगे तो अनर्थ नहीं होगा। ये मयूर पंख आपने अपनी कमर पे क्यों बांधे हैं? क्या ये यहां की कोई रीत है अथवा प्रथा? नहीं नहीं, दोनों ही नहीं। तो कारण क्या है? केवल शरीर का सुशोभन या नृत्य की वेशभूषा का कोई भाग? ना युवराज, ये ना शरीर सुशोभन है और ना ही किसी नृत्य के लिए वेशभूषा। हम अधम वर्ण से हैं। युवराज, वर्ण भेद को नहीं मानते, बिना संकोच के कहो। यहाँ का नियम है युवराज, हमारे छूने से मिट्टी अपवित्र हो जाती है। हमारे पचिन्नों पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के पद ना पड़े, इसलिए हमें अपने पचिन्न मिटाने पड़ते हैं। इसीलिए प्रत्येक शूद्र अपनी कड़ी पर यह मयूर पंख बांधते हैं। ये कैसी रीत है? मनुष्यता का कितना बड़ा अपमान है। क्षमा करें युवराज, अब हमें जाना होगा, अन्यथा विलंब होने के कारण हमें कोड़े की मार खानी पड़ेगी। हाँ। निवेदन तो केवल इतना ही है महाराज कि युद्ध में विजय के पश्चात प्रसन्नजीत ने शाक्य राजाओं को युद्ध खर्च देने की बात कही थी, परंतु प्रसन्नजीत अभी तक चुप है और अब तो युवराज भी चले गए। युद्ध में हथियारों के निर्माण में हमारे राजकोष को भारी हानि पहुंची है महाराज, और अब तो स्थिति यह है कि राजकोष में आपातकाल के लिए भी धन नहीं बचा। आप चिंता न करें, आप मंत्री उदयन से मिलकर आवश्यक धन राजकोष से ले लें। युवराज सिद्धार्थ आते ही हम प्रसन्नजीत से बात करेंगे। एक प्रश्न है महाराज शुद्धोदन, यदि प्रसन्नजीत ने युद्ध खर्च देने से मना कर दिया तो हम महाकौशल से बात करेंगे। वो न्यायप्रिय राजा है और प्रसन्नजीत उनकी बात टाल नहीं सकता। तुमने कुछ सुना गोपा? क्या? किसी बालक के रोने की आवाज। हाँ सुनो, देखो तो वहां कौन रो रहा है। कोई छोटा सा बालक है आज को भाई,
क्या हुआ? कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? मैं दारुण, मेरा भाई है ना भाई, इतना बड़ा। हाँ, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसे राज के सैनिक ले गए। सैनिक? सैनिक क्यों ले गए उसे? उसे काला जुआर था। तो उसे वैद्यराज के पास लेके गए होंगे। ना ना, उसे नई नगरी ले गए। नई नगरी? शिवराज को नई नगरी के बारे में ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है डर गया होगा। हमें शीघ्र ही इसके माता पिता के पास जाना चाहिए। आपका घर कहाँ है? उधर। क्या तुम चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। परंतु इस अंधेरे में अनजान जंगल से जाना उचित ना होगा युवराज? आज हम दारुण को भोजन कराकर यहीं सुला लेते हैं आर्य। प्रातःकाल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। क्यों, सही कहा ना हमने? हाँ, मैं रहूंगा। चलें। आइए ना युवराज, आइए आइए। बैठिए युवराज, बैठिए। प्रभु, खाने में जो था सो आपको दे दिया है। युवराज, आप खाएंगे तो हमें खुशी होगी। आपका पूरा परिवार इतने चावल में कैसे निर्वाह कर लेता है? क्या करें युवराज, दिन भर परिश्रम करके इससे अधिक नहीं जोड़ पाते। वो तो गांव वाले अच्छे हैं जो हमेशा एक दूसरे की सहायता कर देते हैं, लेकिन वो भी क्या करें। युद्ध जो हुआ था उनके भी हाथ बंधे हैं। आपका दारुण कह रहा था राज्य के सैनिक इसके भाई को कहीं ले गए हैं, किसी नई नगरी में। नई नगरी? नहीं युवराज, अर्थात आरोग्य धाम। सुना है वहां रोगियों की अच्छी चिकित्सा होती है, बड़े बड़े वैद्यराज वहां पर हैं। मेरा बड़ा पुत्र बीमार था तो संबंधी के घर आरोग्य धाम इलाज के लिए भेज दिया था युवराज। ये अपने भाई से बड़ा स्नेह करता है, इसीलिए रोता है। आपने कुछ खाया नहीं युवराज?
राज सिद्धार्थ है ना? हाँ। मैंने सुना है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, कदाचित मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। बाबा, वो युवराज थे? नहीं, ईश्वर। एक और संघर्ष गोपा। एक मनुष्य इतना गरीब कि उसको पेट भरने के लिए चावल का एक दाना नहीं, और एक मनुष्य इतना धनी कि यज्ञ में ब्राह्मणों को सोने का दान दे और पशुओं की बलि चढ़ाए। इतनी विषमता क्यों? गोपा, हम महलों में रहते हैं, पकवान खाते हैं, तो फिर मिट्टी में रहने वालों को कैसे समझ पाएंगे? मां कहती है कि ईश्वर कण कण में बसा है, तो फिर मनुष्यों की पैरों की मिट्टी से ईश्वर अछूता कैसे हो गया? इतना मत सोचो आर्य, ठंड बढ़ रही है, भीतर चलें। राजकुमारी, युवराज को ये पिला दीजिए, उनकी ठंड दूर हो जाएगी। मना किया था कि ठंडे पानी से संध्या में स्नान ना करें, पर युवराज माने ही नहीं। अब औषधि के साथ साथ दाने क्यों पिला रही हो गोपा? राजकुमारी, आप चिंता ना करें, जब ऋतु बदलती है उसके बदलाव से हर किसी को ठंड लगती है, फिर शरीर को उसकी आदत हो जाती है, और वैसे भी युवराज पहली बार ऐसे शीत प्रदेश में आए हैं। लौशिका, इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा मुझे, यदि कुछ हुआ भी तो हम भी नई नगरी चलेंगे। दारुण के पिता कह रहे थे ना कि वहां सबकी चिकित्सा होती, बड़े बड़े वैद्यराज हैं वहां, कुछ नहीं होगा मुझे। राजकुमारी, युवराज के नाखून और नीले पड़ते जा रहे हैं, अब जो करना है वो आप ही को करना है। ऐसी परिस्थिति में देह अग्नि ही अंतिम उपचार है। चन्ना, Thank you.
हैरो कहाँ जा रहे हो? हमें युवराज से मिलना है। वो नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा था कि वो मेरी बात सुनेंगे। कहा ना कि नहीं मिल सकते, जो हट कर रहे हो। पुत्र, वो लोग कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए, तुम भी कुछ दिनों के पश्चात आ जाना। हाँ जा। सुनो, ये बालक दोबारा कभी भी युवराज से ना मिलने पाए और ना ही इसका कोई समाचार। जैसा आपका आदेश। ये बालक युवराज के सामने नई नगरी की बातें करता है, और अगर युवराज आरोग्य धाम पहुंच गए, हम प्राण से गए समझो। युवराज कैसे हैं? कुछ आराम हुआ? हाँ, वो तो प्रातःकाल होते ही सूर्योदय देखने भी चले गए। अर्थात देह अग्नि का उपचार सार्थक निकला। ये क्या है राजकुमारी? क्या हुआ? आपके हाथ का वो सूत्र? कैसा सूत्र? ये सूत्र कुलगुरु ने तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए दिया है। जिस दिन संतान का आगमन संभव हो जाता है, ये सूत्र अपने आप छूट जाता है। वो सूत्र टूट गया अर्थात? क्या ये सच है? क्या युवराज सिद्धार्थ इस बात से ज्ञात है? तो कब बताएंगी? मैं नहीं कह पाऊंगी, महादेवी से कहूंगी, वही बताएंगी। ठीक सोचा। लौशिका जी, मैंने सुना था कि तुम सिद्धार्थ की दाई मां थी, अब सिद्धार्थ की संतान की दाई मां बनोगी। चलो कुपा, चन्ना आज हमें सामने वाले बर्फ के पर्वत के पास ले जा रहा है। पर आज हम मंदिर जाना चाहते हैं युवराज। क्यों कुपा, अचानक ईश्वर की इच्छा? इच्छा को जन्म लेने में समय ही कहाँ लगता है। बस ऐसे ही मन में आया तो। ठीक है चन्ना, आज हम मिट्टी के मनुष्य पत्थर के ईश्वर से मिलने मंदिर जाएंगे। तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, परंतु कोई बात अवश्य है जो तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक रहा है। बस ऐसे ही आपका ज्वर उतर गया और मेरे गालों पर खुशी चढ़ गई। दारू, रथ रोको चन्ना। युवराज, क्या हुआ दारू, क्यों इतना रो रहे हो? हमारा भाई है ना भाई, बड़ा कलरत वापस आ गया था। हम सबसे बातें भी कर रहा था, पर आज सुबह से कुछ नहीं बोल रहा है। उसे सब नदी किनारे ले गए। सुनो, इस समय तुम अपने भाई के पास जाओ दारू, युवराज मंदिर जाकर अवश्य तुम्हारे घर आएंगे। नहीं युवराज, आप चलिए ना। दारुण, हमें पहाड़ी वाले मंदिर जाना है, देर हो जाएगी। नहीं युवराज, आप चलिए। मंदिर के भगवान तो पत्थर के हैं, कहीं नहीं जाएंगे। आप इतने नास्तिक कैसे हो सकते हो?
तुम सब कहते हो कि भगवान ने संसार बनाया है, तो फिर उसमें इतना दुख क्यों? इस बालक की आंखों में आंसू क्यों? मुझे लगता है सबसे पहले हमें इसकी समस्या का हल ढूंढना चाहिए। चलो दारुण, चलो सबको जल्दी से उठाओ, पानी में बहा दो। तुम लोग जानते हो कि महाराज का आदेश क्या है? युवराज के सामने कोई भी पीड़ादायक घटना नहीं घटनी चाहिए। बस एक बार, अंतिम बार मेरे पुत्र का चेहरा देखने दीजिए। बताओ। रुक जाइए, सत्य कथा।